हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनर के नए स्मार्टफोन ऑनर प्ले के बारे में, जो कि आपको पता ही है इंडिया में 6 अगस्त यानी आज लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन है मेरे हिसाब से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स जो कि इस फ़ोन में आपको देखने को मिलते हैं और जिस वजह से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो चुका है। अगर आपके पास 20,000 रुपये या 24,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो बिना कुछ सोचे समझे आँख बंद करके बस इसी फ़ोन को ले लीजिए। और वो क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती हैं बेहतरीन, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। ओके, तो देखिए सबसे पहला टॉप रीजन जिस वजह से यह फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो है इसका प्रोसेसर। 20,000 या 24,000 रुपये में आपको फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर दिलवाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए। यहाँ पर युवावे ने अपना किरिन 970 प्रोसेसर, जो कि सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंक्लूडिंग ऑनर V10 या फिर बाकी के जो भी फ़ोन्स हैं जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं ऑनर के या युवावे के, उनमें ये फ़ोन का में प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है किरिन 970। इतना ही नहीं, सिर्फ 970 प्रोसेसर की बात नहीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग फीचर जिस वजह से आपको ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी मिलता है वो है इसका GPU इंटीग्रेशन, यानी इसमें एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है जिसका नाम है GPU टर्बो, जो कि क्लेम करती है 60% बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी आम प्रोसेसर से, यानी इस लेवल के जो भी बाकी के प्रोसेसर हैं उनसे 60% ज़्यादा इफेक्टिव, 60% ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा ये। साथ ही साथ यहाँ पर 30% बैटरी कम कंज्यूम करेगा बाकी फ़ोन से इस लेवल के प्रोसेसर जो भी यूज़ करते हैं उनसे। और डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है यार वो स्नैपड्रैगन 660 से बहुत ज़्यादा सही है, यानी Mi A2 में सीधे यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, Mi A2 से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ये फ़ोन जो है एक्सपेक्टेड प्राइस उस Mi A2 की 18,000 अप्रॉक्स होगी, तो मेरे हिसाब से 2,000 रुपये देके क्यों ना एक फ्लैगशिप वाले प्रोसेसर को फ़ोन को लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। यहाँ पर इवन 710 प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन का है, जिसमें कि Mi 8 SE आपको देखने को मिलने वाला है, उनसे भी ये प्रोसेसर काफ़ी सही है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है ये। ओके, जो अगला फीचर है इस फ़ोन का जो कि इसे वैल्यू फॉर मनी बनाता है वो है इसकी बैटरी। बैटरी है यहाँ पर 3750 mAh की बैटरी, जो कि अप्रॉक्स आप मान लीजिए 4000 mAh की, जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करती है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट होते हुए भी 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो कि आपको Mi A2 में नहीं मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक मैं भी बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली यार ईयरफोन्स तो हर कोई यूज़ करता है, अब यहाँ पर अलग से डोंगल यूज़ तो कोई करेगा नहीं ना इस वजह से, तो मतलब 3.5 mm ऑडियो जैक इंप्लीमेंट करना फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओह, जो अगला फीचर इसमें फ़ोन में है वो ऑब्वियसली आपको पता ही है, फ़ोन जो है गेमिंग को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कहें बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो आपको 4D हैप्टिक फीडबैक वाली चीज़ें देने वाला है, यानी 3D 3 डायमेंशनल गेम तो आप खेलते हैं, यहाँ पर 4th डायमेंशन भी ऐड कर दी गई, यानी आपको थोड़ा बहुत फील भी होगा गेम वो इस तरीके से होगा कि जब भी आप मान लीजिए गेम खेलते हैं तो गेम के साथ सिंक हो गए, जैसे आपको कोई गन शॉट पड़ती है या हिट करते हैं किसी को आप गन शॉट से, तो यहाँ पर आपको फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करेगा, हैप्टिक फीडबैक देगा, यानी लगेगा आपको कि हाँ एक्चुअल में गेम आप खेल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो अगली और लास्ट चीज़ मेरे हिसाब से है जो इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है वैल्यू फॉर मनी, वो है इसकी 6.3 इंचेस की डिस्प्ले। इसी प्राइस सेगमेंट यानी Mi A2 में आपको 5.99 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी, हालांकि दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम होगा, इनफैक्ट ये फ़ोन जो ऑनर प्ले है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट ही होने वाला है उससे। तो यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के साथ फ़ोन कॉम्पैक्ट इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बेजल्स नहीं है, हालांकि Mi A2 में बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ़ोन है वो आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ ऊपर नॉच के साथ मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। हालांकि अब बुरी बात या फिर कहें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई भी कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं दी गई है इसमें, जो कि आपको Mi A2 में देखने को मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। बाकी यार अब देखो 20,000 में इतना कुछ दे दिया तो अब मतलब सब चीज़ें ना मिल रहे तो कोई डिसअपॉइंट होने वाली बात भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है उसमें पहले ही आपको बहुत कुछ दे दिया जा चुका है, इसमें से सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर। बाकी फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है LPDDR4X रैम, और साथ ही साथ यहाँ पर UFS 2.1 स्टोरेज को यूज़ किया गया, जो कि बहुत सही है। यहाँ पर UFS 3.0 यूज़ कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो कट ऑफ करेंगे, आफ्टरऑल फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाया है। बाकी हम बड़े कैमरा की तरफ, तो कैमरा में आपको 16.2
16 प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपको रियर में 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो वो है एफ बाई 2.2 अपर्चर का, और जो सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो है एफ बाई 2.4 अपर्चर का। साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रेड किया गया है इसमें, जो कि आपको शायद मी ए 2 में भी देखने को मिलता है। हाँ, मी ए 2 में भी देखने को मिलती है। हालांकि ये फ़ोन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलती है। 22 प्लस सीन रिकॉग्निशन यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, उसी को यूज़ करके आपके फेस को अनलॉक किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सही तरीके की चीज़ें यहाँ पर लॉन्च करी है 20,000 रुपये में यहाँ पर ओनर प्लेन है। बाकी हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर है एफ बाय 2.0 और 2 माइक्रोन का आपको पिक्सल साइज देखने को मिलता है इस फोन में, जो कि एक बहुत सही चीज़ है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो फ़ोन की है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन है, यहाँ पर जो मी ए 2 है बिल्कुल सिमिलर आप कह सकते हैं, बिल्कुल यूनिबॉडी डिज़ाइन। यहाँ पर एंटीना बैंड्स दोनों ही फ़ोन्स में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये ओवरऑल पैकेज है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस फ़ोन से कितना सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियर टू आइडियल चीज़ें होना फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ऑब्वियसली आइडियल फ़ोन आइडियल बजट पे कोई प्रोवाइड नहीं करा पाता, बहुत ज़्यादा नियर जो पहुँच जाते हैं उनमें से ये एक फ़ोन है। बाकी आप मुझे अपने थॉट्स बताइए इस फ़ोन के बारे में, आपको क्या लगता है लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर मी ए 2 का वेट करेंगे आप, या फिर मी 8 SE है वो उसके लिए वेट करेंगे, नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेट इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिसे दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही बराबर में बेल आइकन दबाने से होगा ये, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।